Hey guys, नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही क्लिशे और बोरिंग है. वेलकम टू स्क्रीन पत्ती नी वीडियो. ओके, ये एयरसॉफ्ट गन इंडिया का चैनल है. तो हे गाइस, वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है. आज जो गन मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा है. अब जनरली देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियोज देखी होंगी इस तरह की एयरसॉफ्ट राइफल्स या प्लास्टिक की गन्स के रिव्यूज की, तो मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि वो बहुत ही अच्छी नहीं होती हैं या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है या बहुत अच्छा फायरिंग नहीं करता है. बट ये गन जो है थोड़ा सा अलग है गाइस. ये है M240, ये बहुत ही प्यारा गन है और इसकी दो बातें बहुत अच्छी हैं. इसका एक तो लुक बहुत अच्छा निकल के आता है. इट लुक्स लाइक अ रियल स्नाइपर और ऑल्दो इट इज़ मोर ऑफ अ राइफल. और ये थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है दूसरी गन्स के मुकाबले. अगर आपने लास्ट के मैं तीन चार गन्स की वीडियो देखी होंगी, उन राइफल्स के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है. एज यू कैन सी, इसके ऊपर एयरसॉफ्ट गन लिखा हुआ है. ऑल्दो ये इंटरनेशनल क्वालिटी की ऑटोमेटिक एयरसॉफ्ट जैसी नहीं है, बट इट इज़ कंपेरेटिवली अच्छी है. मतलब एग्जाम्पल, अगर आप बाहर की गन्स की जो इम्पोर्टेड जनरली जिसे हम एयरसॉफ्ट गन या स्नाइपर राइफल्स कहते हैं, उसको 1 में से 10 नंबर देंगे और बाकी जो पुरानी वीडियोस में मैंने कुछ गन्स दिखाई हैं राइफल्स में एयरसॉफ्ट में, और उसको 2 या 3 नंबर देंगे, तो इसको मैं 5 नंबर दे सकता हूँ. तो ये ठीक ठीक गन है. अब हम इतने सारे बातों के अलावा मैं सिर्फ थोड़ा सा बॉक्स दिखा देता हूँ. ये अच्छी बॉक्स में आती है, अच्छा कार्डबोर्ड की पैकिंग भी अच्छी है. बाकी गन जो है कुछ पैकिंग से नहीं आती है या फिर थोड़ा सा थर्मोकॉल वगैरह की पैकिंग होती है. ये जो है ये कार्डबोर्ड की पैकिंग में है. वर्ल्ड क्लास दिखा हुआ है इसके ऊपर US 6mm BB बुलेट. ये 6mm का BB है गाइस. द प्रोडक्ट इज़ अ टॉय, लिखा हुआ इज अ टॉय एंड इट इज इजंट अ रियल गन. इसकी बात है सिमुलेटिंग द ट्रू स्टाइल एंड मेकिंग केयरफुली यूज ऑफ 6mm BB. तो प्रोडक्ट इज अ टॉय, बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्ट टॉय इसको लिखा हुआ है. जनरली बाद में बहुत दिक्कत दे सकता है. और आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है साइड का अनलोड गन साइड. इसको आप गन साइड को निकाल सकते हैं इस गन में इंस्टॉल द मफलर. तो ये इसके अंदर मेरे ख्याल से नहीं है. इसके ऊपर टेलीस्कोप साइड है, ऑल्दो इसके अंदर टेलीस्कोप साइड वो काम नहीं करता है. और बस गन्स में कैसे लोड करते हैं इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, सेम टू सेम गाइस. तो अब चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. हियर इज द गन. देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एंड मतलब कूल है. इसके लुक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कूल है. हियर इज द गन गाइस. ये गन है, इसका वेट जो है काफ़ी हैवी नहीं है, बट इट्स रियली गुड. मतलब आप लगा के चलो अराउंड 1 किलो होगा या उससे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा. और ये साइट है, इसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था. फोटोज़ जो बॉक्स के ऊपर था, बट आई थिंक ये फिक्स्ड है तो हाँ निकल जाता है. बट आप चाहें तो उसे निकाल सकते हैं, बट देर इज़ नो रीज़न कि आप उसको निकाल के चलाएं. तो ये पैक्ड है. इट लुक्स और फील लाइक अ रियल राइफल की तरह फील देता है. स्नाइपर का लुक है और लोड वाला है. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे को ड्राई फायर मत कीजिएगा, लेकिन बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसको ड्राई फायर कर रहा हूँ. गिव्स अ गुड जज. तो आई गेस इसके जो FPS होगा 300 से 400 FPS इसका यू पावर होगा एटलीस्ट, क्योंकि ये गुड स्प्रिंग का राइफल है. ये इसकी मैगजीन, ये इसका मैगजीन है गाइस. जनरली इसके अंदर का ड्रॉप मैगजीन होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, बट इसके अंदर वो नहीं है. ड्रॉप मैगजीन के अंदर पीछे आप लिमिट डालते हो, इसके अंदर डायरेक्टली आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा इस जगह से. तो ठीक है, यू नो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिल किया जाता है. जस्ट 3 of them ये ब्रांड न्यू यू नो बॉक्स है. तो लगनी जगह प्लस ली विथ प्लस फाइव दस साइड. ओ आई थिंक इसका शेप जो है बंद हो गया था. आई थिंक जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू. कभी भी जो बहुत ही नॉर्मली आप फर्स्ट पुश करते जाइए और ये लोड होता जाएगा गाइस. सो हियर इज दिस. और मैगजीन को बिल्कुल लोड दिस लाइक दिस और कॉक करिए, स्टार्ट हो जाएगा. मैं आपको उसकी एक्सेसरीज दिखाई थी, उसके साथ क्या आता है. ये पार्ट जो बहुत ही कूल है, ये स्प्रिंग है एंड दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. तो ये सारी गेंद जो है वो ABS प्लास्टिक की है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है. अच्छा, दिस इज द स्कोप. बहुत से लोगों को स्कोप बहुत प्यारा लगता है. जनरली जो ये स्कोप आती है वो फेक होती है और ये भी फेक है, बट अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर इन्होंने यू नो फ्लेक्सी ग्लास लगा रखा है, तो दिखने में दूर से आपको एक्चुअल स्कोप ही लगेगा. अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल स्कोप है,
बट ये मैग्नीफायर वगैरह कुछ नहीं करता है। और यहाँ पे आप ऑन ऑफ का स्विच देख सकते हैं, अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो अंदर लेज़र जल पड़ता है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेज़र अंदर लेज़र साइट दिखेगा। तो इट वर्क्स लाइक अ रेड डॉट स्कोप, इट गिव्स यू अ गुड लुक, है ना। तो आप ध्यान देख सकते हैं निशाना बना हुआ है, तो आप जहाँ भी टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे आपको रेड डॉट स्कोप की तरह अच्छी फीलिंग देगा। तो आई होप ये सही लगता होगा। लेट मी जस्ट माउंट दिस और फिर आपको दिखाता हूँ कि दिखने में कैसा लगता है। इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, इट कैन गो, एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है प्लास्टिक की गन्स, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस लिटिल बिट बिफोर यू स्टार्ट। सो इट्स रेडी एंड इट लुक्स रियली रियली कूल। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर यू नो वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। और ओ बाय द वे इसका रेस लिंक भी आता है राइट हियर, आपको इसे लगा करके यहाँ से यहाँ पर कंधे पर टांग सकते हैं। तो अगर आप तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और विल कीप यू पोस्टेड गाइस, इसे बाय करना हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और हम पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब एक्सेप्ट करते हैं और आपके घर पर ही डिलीवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन।